दुआ बेटा। जी दादो। इधर आओ। जी बेटे, ये स्कूल से आकर सेला क्यों रो रही थी? वो उसने फिर से अपनी शर्ट फाड़ दी। ये देखें, पहले भी आपने दो जगह से सिलाई की है, वो ना बिल्कुल खेलते वक्त ध्यान नहीं देती, इसलिए रोज कपड़े फाड़ कर ले आती है। चलो कोई बात नहीं है, सिलाई कर दूंगी मैं। लेकिन दादो, सिला तो जिद करती है कि उसे नया यूनिफॉर्म चाहिए। अब्बा ने शानी को भी तो नया यूनिफॉर्म दिलाया। आ जाता है ना सईद, तो याद कराती हूँ मैं उसको। दादो, शहजाद ने बहुत दिनों से घर पे चक्कर नहीं लगाया। बेटा, उसकी माँ के साथ जो तुम्हारे बाप ने किया है ना, उसके बाद वो यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन दादो, अगर शहजाद नहीं आया हमारे घर, तो फिर मैं इम्तिहान किस तरह दूंगी? बात करूंगी सईद से कि अपनी जिद छोड़ दे और तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दे। सईद, सईद जिद खत्म कर दें, दुआ को स्कूल में दाखिल करा दें, वो बड़ी हो रही है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे सामने ये बात मत किया करो। सईद, आजकल बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार कही भी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे, अब की बार ये बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। नहीं दादो, आप अब्बा से बात मत कीजिएगा। उन्होंने अम्मी को कहा था कि उनसे जो भी इस बारे में बात करेगा वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। बेटा, मैं उसकी माँ हूँ और टांगे तोड़ने का हक सिर्फ मुझे है, उसे नहीं। हर बात है ना, तो मैं बात करूंगी उससे। दादो, मैं वादा करती हूँ कि स्कूल से आकर मैं सारा घर का काम कर लिया करूंगी। नहीं मेरी जान, तुम घर का काम नहीं करोगी, तुम पढ़ोगी। घर का काम करने के लिए हिम्मत है अभी मुझ में। बेटा जो है इन कपड़ों में शहजादा लग रहा है, शहजादा। बल्कि लग क्या रहा है मेरा बेटा शहजादा। बाबा की जान है। क्या बात है अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? कपड़े पसंद नहीं आए शानी के? मैंने कहा था ना, सिला करने आया यूनिफॉर्म आना है, पुराना बिल्कुल फट गया है। फट गया तो सिलाई कर दे। अब कितनी सिलाई करूं? तो फिर उसे भी घर बिठा ले, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता फिरूं। खुदा का खौफ कर सईद, बेटियां बोझ नहीं होती। अम्मा मैं इनके लाड नहीं उठा सकता।